अगर आप भी घर में जलील होते हैं जी तो ये वीडियो जरूर देखो। यहाँ पर मैं आपको जलालत से बचा नहीं रहा, समझ रहे हो, बल्कि अपना भी दुख बांट रहा हूँ। भाइयों बहनों, महारानों, उन लोगों पर जो जलील तो बहुत होते हैं मगर बताते नहीं, और जब कभी बात पड़े तो यही कहते हैं, क्या है मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खोल उठता है। तो कैसी चल रही है जिंदगी, क्या कर रहे हो बाबा जी? इससे आप गोट घर में ऐसे बात करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। की जादे यासी मादी या तुसी मर जो और जान छाड़ते हो साड़ी। जब कभी घर में हमारी सही बेइज्जती हो जाए तो यही कहते फिरते हैं सबको कि जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफी है, ज्यादती है, और मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है। और उस वक्त अब्बा जी कहते हैं, बेशर्मो शर्म करो शर्म। जब कभी हमारी बेइज्जती अबू से हो रही हो और हम बीच में बोल पड़े तो अम्मी जान कहती हैं, देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। हमारी बेइज्जती के बाद मोहल्ले वाले हमें बड़ी इज्जत से बुलाते हैं। ओ की हाल चाल है, ठीक हो ना? यहाँ पर आप मेरी बात को समझो, समझ रहे हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं आपको बेइज्जती से बचने का कोई तरीका बताऊंगा तो ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मगर अभी सोचा नहीं, लेकिन आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। इसका मतलब शराफत से बेइज्जती बर्दाश्त करो। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही था। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।